कहानी नंबर 63। क्या पेड़ भी जीव है? एक बार एक गांव में संजय और विजय दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों की जैन धर्म में विशेष श्रद्धा थी और दोनों जैन धर्म अनुसार आचरण करते हुए जीवन यापन करते थे। बड़ा भाई संजय विलक्षण प्रतिभा का धनी था, साथ ही अनेक विद्याओं का स्वामी था। वह अपनी इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण कर सकता था, किंतु इन विद्याओं का प्रयोग कभी लौकिक जीवन में नहीं करता था। एक बार छोटे भाई के अनेक बार आग्रह करने पर वह अपना विशेष रूप को दिखाने को तैयार हो गया। निर्धारित समय और स्थान पर दोनों भाई पहुंचे, तब बड़े भाई संजय ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और देखते ही वह एक विशाल वृक्ष बन गया। उसके मोटे तने पर हजारों शाखाएं थीं, जिन पर हजारों पत्तियां और फूल लगे थे। कुछ ही समय में उस पर अनेक पक्षी भी चहचहाने लगे। उसका छोटा भाई अपने मित्रों को बुला लाया और अपने भाई की प्रतिभा का बखान करने लगा। सभी मित्र उससे बहुत प्रभावित हुए। तभी विजय को प्यास लगी और वह नदी पर पानी पीने चला गया। उसके मित्र उस वृक्ष पर चढ़ गए और शरारत करने लगे, सारी पत्तियां तोड़ने लगे, शाखाएं तोड़कर फेंकने लगे। कुछ ही देर में उन सब ने मिलकर पूरा वृक्ष तहस नहस कर डाला। कुछ देर बाद जब छोटा भाई पानी पीकर आया, तब उसने पेड़ की हालत देखी तो उसकी आंखें छलछला उठी। जल्दी से उसने अपने भाई से विनती की कि अब आप फिर से अपने पुराने रूप पर आ जाइए। तब वह भाई अपने उसी रूप में आ गया, लेकिन यह क्या, उसके हाथ पैर आधे कटे हुए थे, नाक छिल गई थी, कान आधे कट गए थे, सिर के बाल आधे झड़ गए थे। अपने भाई की हालत देखकर विजय जोर जोर से रोने लगा। तब संजय ने उसे कहा कि हम पेड़ों को निर्जीव समझते हैं, जबकि उनमें भी जान होती है, उनके भी अंग उपांग होते हैं, हम उनसे अजीब जैसा व्यवहार करते हैं। मैं कुछ देर के लिए वृक्ष बना, तब मेरी यह हालत हो गई, और कई सालों तक पेड़ बने रहने पर कितना दुख होता होगा। इसलिए अब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पेड़ों के साथ जीव के समान व्यवहार करेंगे और व्यर्थ में उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। आपने इस कहानी से क्या सीखा, यह हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायी लगी हो तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। आपसे निवेदन है कि आप इन कहानियों को अपने नगर में चलने वाली पाठशाला में अवश्य दिखाएं। आपके ये छोटे छोटे प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।